हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेटेड एरा में फिर से आपका, यानी कि इस वीडियो में जो वीडियो है, चैप्टर है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैं सूरज मालाकार आपको आज न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं। इससे पहले आप लोगों ने वीडियोस को देख लिया होगा, फॉर्मूलों को समझ लिया होगा, कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। अगर वो सारी चीज़ें प्रिपेयर हैं तो ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको आसान लगने वाले हैं। और आज के बाद कभी भी कोई ऐसा समय नहीं आएगा जब आपसे न्यूमेरिकल नहीं होगा किसी भी टाइप का। तो अगर आपने पहले ही, कह रहा हूँ, नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो सारी जाकर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी, वो सारी वीडियोज आप देख लो, उसके बाद ही देखना। और इसको पूरे लास्ट तक आराम से समझें। यही दो न्यूमेरिकल ऐसे मैंने लिखे हैं यहां पर, ये दो न्यूमेरिकल अगर आपने समझ लिए, सारे न्यूमेरिकल आपके क्लियर हो जाएंगे। आप आसानी से सारे के सारे न्यूमेरिकल, चाहे कोई भी राइटर फॉलो कर रहे हो, वो सारा कवर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ दो न्यूमेरिकल। कितने? दो न्यूमेरिकल। ये दो न्यूमेरिकल आपका भविष्य है, यानी कि चैप्टर को बना देने वाली है, राइट। तो इस पूरे वीडियो को देखकर आपको समझ आ जाएगा, और पुरानी वीडियोस को देख लीजिएगा। बाकी लाइक, शेयर, कमेंट, आपको सब कुछ पता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा मेरे भाई, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, राइट। और चलते हैं हम लोग यहां पर फिर से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ये दो न्यूमेरिकल्स पे। आइए, तो फॉर्मूला आपने रीड कर रखा है, उस फॉर्मूले के बेस पर मैं आपको बता रहा हूं कि क्या करना है इसमें। देखिए, सबसे पहले आपको गिवन है आउटपुट, राइट, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें टोटल कॉस्ट गिवन है 3080 120 150 170 180 और 200, राइट। ये एक ऐसा न्यूमेरिकल है, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। देखिए, सबसे पहला कहा गया एएफसी कैलकुलेट करने के लिए, उसके बाद एबीसी कैलकुलेट करना है, एसी और एटीसी एक ही चीज होता है, उसके बाद एमसी है, राइट। आपको ध्यान हो, सबसे पहले जो आपको आसान लगता है न्यूमेरिकल में, सबसे पहले वो चीज कंप्लीट कर लीजिए, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसको कंप्लीट करके उसका बर्डन समाप्त कीजिए। देखिए, आपके इसमें सबसे आसान क्या हो सकता है, कि अब मैं बात करूं अगर एमसी की, तो एमसी का जो फॉर्मूला है वो टीसी के साथ होता है या टीवीसी के साथ। जब भी एमसी कैलकुलेट करना हो, याद रखिएगा, या तो टीसी से कैलकुलेट होगा या टीवीसी से, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। टीसी होना चाहिए या टीवीसी होना चाहिए। देखिए, आपके पास इस क्वेश्चन में टीसी है सर, तो TCN - TCN - 1 का फॉर्मूला अप्लाई कर देते। आइए, कैसे करना है, देखिए मैं आपको बता देता हूं सिंपल तरीका वो कैसे करना होता है। देखिए, यहां इससे पहले, यानी कि 30 से पहले क्या था, यहाँ पर कोई कन्फर्मेशन नहीं है, वो है नहीं है, जो भी उसे छोड़ दीजिए आप। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट यूनिट, यहाँ से मैं कर रहा हूँ 80 माइनस 30, दैट इज 50, यानी कि पहला जीरो पे अनकैलकुलेटेबल है, यानी कि नॉट डिफाइंड है, इस तरीके से कह सकते हैं। जब भी कोई भी कहीं से भी शुरू हो, आउटपुट 1 से शुरू हो, 2 से शुरू, 3 कहीं से भी शुरू हो, सर पहले नंबर का एमसी आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो पहले आप डैश कर दीजिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आगे देखिए, सेम एज इट इज सेकेंड नंबर का मैं निकाल रहा हूँ मार्जिनल कॉस्ट, ये रहा सर 120 माइनस 80, यानी कि सर ये हो गया आपके पास 40, राइट। सेम अगले यूनिट का मैं निकाल रहा हूँ, 150 माइनस 120 कितना हो गया सर, 30 हो गया। इसके बाद देखिए आप, 170 माइनस 150 सर, दैट इज 20। इसके बाद 180 माइनस 170 10, और इसके बाद 200 माइनस 180 सर, ये है आपके पास 20, राइट। तो ये एमसी इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगी। अगर टीवीसी भी होता हमारे पास, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो भी मैं इसी तरीके से कैलकुलेट करता। आपको प्रैक्टिकली भी बता दूं, देखिए जैसे एमसी मुझे मान लीजिए सेकंड नंबर की निकालनी, किस यूनिट की, देख लो सर यहां पर लिखा हुआ है सेकंड यूनिट ऑफ आउटपुट। सेकंड यूनिट ऑफ आउटपुट का मुझे एमसी कैलकुलेट करना है, क्या करना पड़ेगा, टीसी, कौन से यूनिट, देखिए एन की जगह क्या रखना है, 2 सेकंड यूनिट की, माइनस टीसी, एन क्या है सर, 2 माइनस 1, देखिए माइनस 1 फॉर्मूले में, तो ये हो गया सर टीसी 2 माइनस टीसी 2 माइनस 1, यानी कि TC1, देखिए TC2 यानी कि सेकंड यूनिट पर टोटल कॉस्ट कितनी है सर 120, माइनस TC1 यानी कि 1 यूनिट पर TC कितनी है सर 80, तो ये कितना हो जाएगा सर 40, देखिए 40 ही आया, राइट। अब मान के चल लीजिए मुझे निकालना है, फिर से एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, MC मान लीजिए मुझे निकालना है फोर्थ यूनिट का, ये रहा सर MC4, कैसे निकाला जाएगा सर, TC4 - TC4 - 1, तो देखिए सर TC4 - TC का 3rd, तो देखिए टोटल कॉस्ट चौथे यूनिट पे कितनी है 170, टीसी थर्ड यूनिट पे कितनी है सर 150, तो ये कितना आ गया 20, राइट, क्लियर है। तो इस तरीके से आप एमसी कभी भी कैलकुलेट करेंगे, चाहे टीवीसी गिवन हो चाहे टीसी गिवन हो। अब चलते हैं सर आगे, एएफसी निकालना है, एबीसी निकालना है, एसी निकालना है, ये सारी चीजें निकालनी है। देखिए, एसी निकालने के लिए आपके पास दो फॉर्मूला तो होता ही होता है। नंबर वन, एसी कैसे कैलकुलेट हो सकता है, अगर एबीसी और एएफसी दोनों होता तो दोनों को मैं प्लस करके एसी निकाल लेता, एक ऑप्शन ये है। दूसरा, आपको याद होगा एवरेज टोटल कॉस्ट निकालना है तो टोटल कॉस्ट को याद करो, यानी कि टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, एक ही ये फॉर्मूला होता था। तो देखिए, टोटल कॉस्ट गिवन है,
क्वांटिटी गिवन है आपको, निकालते चलते हैं। तो देखिए पहला 30 डिवाइडेड बाई 0 नॉट कैलकुलेटेबल यानी कि अनफिनिटी, राइट। 30 डिवाइडेड बाई 0। नेक्स्ट क्या है सर, 80 डिवाइडेड बाई 1 कितना हो जाएगा 80। 120 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा सर 60। 150 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा 50। 4 यानी कि 170 डिवाइडेड बाई 4 ये कितना हो जाएगा सर 4 चौके 16 यानी कि 4 दुनिया 8 और 0.5, राइट 42.5 ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारा 180 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 5 3 15 5 6 30 यानी कि 36 आ गया। और यहाँ पर कितना आ जाएगा सर आपके पास 200 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 6 3 18 6 3 18.33, राइट। इस तरीके से ए सी भी कैलकुलेट हो गया। अब सर हमारे पास ए बी सी है, ए एफ सी है, अगर इनमें से कोई भी एक पूरा हो जाए तो दूसरा तो कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है ए सी इज इक्वल्स टू ए एफ सी प्लस ए बी सी, है ना, ए सी इज इक्वल्स टू ए बी सी प्लस ए एफ सी, राइट। तो देखिए कोई भी एक चीज निकाल सकते हैं। अब निकालने के लिए क्या करना है आपको मैं बता देता हूं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यूज होगा, आप देखिए ध्यान से, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी वही यहां पर यूज होगा, वही चीज देखिए क्या, जीरो आउटपुट लेवल पे, किस आउटपुट लेवल पे सर, जीरो आउटपुट लेवल पे, बहुत काम की चीज है, मोस्टली न्यूमेरिकल्स में आपका ये काम आएगा। एट द जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, शून्य उत्पादन स्तर पर जितना टीसी होता है, जितना टीसी होता है उतना ही क्या होता है सर, टीएफसी भी होता है, राइट। ये बताया था मैंने जीरो आउटपुट लेवल पे टीसी इज इक्वल्स टू टीएफसी होगा। अब क्या करना है, टीएफसी एक मिल गया तो हमेशा सिमिलर ही होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा हर एक उत्पादन स्तर पर एवरी प्रोडक्शन लेवल पे सेम ही रहता है, टीएफसी आ गया। अब टीएफसी आते ही क्या करना है सर, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है क्वांटिटी से डिवाइड कर दूंगा उसका एवरेज, यानी कि एएफसी का फॉर्मूला याद होगा, एएफसी इज इक्वल्स टू टीएफसी डिवाइडेड बाई क्यू। फिर से याद दिला रहा हूं, अगर आपने फॉर्मूला अभी तक नहीं देखा हो फॉर्मूले की लिस्ट और बेसिक वीडियोस देख लीजिए, लेकिन इससे पहले इसको कंप्लीट कर देता हूं मैं आपको, और इससे पहले आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखा। आइए कंप्लीट करते हैं इसको, देखिए ये हो गया, अब कंप्लीट करते हैं सर। जीरो से डिवाइड किया हमने 30 को कितना डैश, 1 से डिवाइड किया 30 को सर 30, 2 से 30 को डिवाइड करेंगे 15, 3 से 30 को करेंगे 10, 4 से करेंगे कितना हो जाएगा सर 7.5, 5 से करेंगे 6 और 6 से करेंगे 5। एएफसी भी आपका कंप्लीट हो गया, राइट। अब देखिए आपके पास एबीसी निकालने के लिए तरीका क्या होता है, या तो टीवीसी डिवाइडेड बाई क्यू, सर टीवीसी तो है नहीं, कैसे निकल सकता है टीवीसी, देखिए टोटल कॉस्ट है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा ना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एक तरीका ये है सर। उस पे क्यों जाएं, देखिए ना हमारे पास एएफसी भी है एसी भी है, क्यों ना हम सीधा ही निकाल लें इन दोनों से, क्योंकि तीनों का आपस में रिलेशन था। क्या फॉर्मूला यूज करूंगा, देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं इसके लिए, जो फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूं, एबीसी इज इक्वल्स टू एसी माइनस एएफसी, राइट। ये फॉर्मूला आपके पास था, सिंपल इससे निकल जाएगा। ये देखिए एसी पहला मैं डैश कर देता हूं क्योंकि नॉट कैलकुलेटेबल है। दूसरा 80 माइनस 30 कितना सर 50, 60 माइनस 15 कितना सर 45, 50 माइनस 10 कितना सर 40, 42 माइनस 7.5 कितना सर 35, 36 माइनस 6 कितना 30, और 33.33 माइनस 5 कितना हो जाएगा सर 28.33, राइट, है ना। ये आपका आंसर कैलकुलेट हो गया। कौन सा वाला न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल, जिसमें बहुत सारी बातें तो नहीं है फिर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बातें इसमें आ गई हैं जो आप बार बार प्रैक्टिस करके आप ऐसे सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर पाएंगे। ऐसे ही नहीं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसके बेस से क्लियर होंगे। बार बार एक ही गुरु मंत्र दे रहा हूँ, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, राइट। और देखिए हमारे पास यहाँ पर जो सेकेंड है, सेकेंड न्यूमेरिकल में क्या यूज होना है आपको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। मुझे निकालना है एबीसी, मुझे गिवन है क्वांटिटी, मुझे गिवन है मार्जिनल कॉस्ट यानी कि मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागत, मुझे निकालना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी कि औसत परिवर्ती लागत निकालना है। आपको याद होगा एबीसी का रिलेशन, एबीसी का जो फॉर्मूला है, या तो टीवीसी डिवाइडेड बाई क्यू या फिर दूसरा फॉर्मूला है एसी माइनस एएफसी, है ना लिस्ट आपके पास, एसी एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए आपके क्वेश्चन में कहीं भी एवरेज कॉस्ट मिल सकता है, नॉट पॉसिबल, कहीं भी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मिल सकता है, नॉट पॉसिबल। तो एक ही ऑप्शन रह गया सर, एबीसी का एक ही फॉर्मूला फिर आपको याद होगा,
ए बी सी इज इक्वल्स टू टी वी सी डिवाइडेड बाई क्यू। तो सर टी वी सी कहाँ से आएगा? अब ध्यान रखिएगा, कभी भी आपके क्वेश्चन में एम सी गिवन हो, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपके क्वेश्चन में एम सी गिवन है तो एम सी से सबसे पहला जो निकल सकता है वो या तो टी सी निकल सकता है, टोटल कॉस्ट, या फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ऐसा ही है ना? क्यों सर? क्योंकि एम सी का जो फॉर्मूला है मैंने बताया वो टी सी के साथ है या तो टी वी सी के साथ है। तो सर वापस भी क्या निकल सकता है इससे? टी वी सी या टी सी। मोस्टली केसेज में आप टी वी सी कैलकुलेट कीजिएगा। वैसे भी आप देखिए यहाँ पर यूजफुल है इस क्वेश्चन में, है ना, टी वी सी। सर कैसे निकलेगा, आइए आपको बताते हैं। फॉर्मूले में जब आप कैलकुलेट करते थे तो देखिए यहाँ पर आपके पास अगर टी सी है तो क्या करते थे आप? नेक्स्ट यूनिट माइनस प्रीवियस यूनिट, इस तरीके से करते थे। यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट टू याद दिलाता हूँ, जो पिछले वीडियो में फॉर्मूले के लिस्ट में था, क्या? एट वन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन लेवल, उत्पादन की एक इकाई पर क्या क्या बराबर होता है सर? टी वी सी इज इक्वल्स टू ए बी सी इज इक्वल्स टू एम सी। याद कीजिए फर्स्ट यूनिट पे तीनों बराबर होते हैं। ये सब देखिए जितना भी एमसी दिया हुआ है मैंने उसी को यहाँ पर लिख दिया है, राइट। अब देखिए क्या करना है आपको, 60 प्लस 50 110, देखिए 110 प्लस 30 140, 140 प्लस 60 200, 200 प्लस 80 280, राइट। इससे देखिए प्रूफ भी होता है, अगर मैं 110 माइनस 60 करूँगा 50, 140 माइनस 110 30, इसी तरीके से तो आप कैलकुलेट करते थे एमसी। तो देखिए यहाँ पर एबीसी कैसे कैलकुलेट होगा, टी वी सी डिवाइडेड बाई क्यू। आइए देखिए, ये रहा टी वी सी, ये रहा क्यू। 110 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया सर? 55। 140 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा? 3 चौके 12, 2 3 6, यानी कि 0.66, राइट। इस तरीके से होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, 4 डिवाइडेड बाई यानी कि 4 5, ये 50 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 5 5 जा यानी कि 656। इस तरीके से आपका ये न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। तो आपने ये जान लिया कि अगर मुझे एम सी की बने तो आप सबसे पहले कोशिश क्या कीजिएगा, टी बी सी निकालने की। सर टी सी भी निकल सकता है और टी बी सी भी निकल सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालना है, टी बी सी निकालना है, क्योंकि टी सी निकालने के लिए एक और बेसिक पॉइंट की जरूरत पड़ेगी आपको, और दूसरा न्यूमेरिकल ये मैंने आपको कराया है। दोनों न्यूमेरिकल्स बार बार प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस सारी वीडियोज को देखिए, बार बार देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए, और आपका ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारे न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएंगे। कोई न्यूमेरिकल में डाउट आता है आप मेरे को कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं, वो सारे डाउट्स आपके वो न्यूमेरिकल सॉल्व करा दूंगा मैं आपको, पूरी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके, राइट। ओके, मुझसे बड़ों को नमस्कार, मुझसे छोटों को आशीर्वाद, और बाय बाय, टाटा। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बेस्ट ऑफ लक।